Channel Vijay Tripathi, and in this video I'll be saying something about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a famous poet and author. He was born on 7th May 1861 in Kolkata. Rabindranath Tagore एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे. उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ. He was interested in writing poems since his childhood. वे अपने बचपन से ही कविताएं लिखने में रुचि लेते थे. His most famous book is Gitanjali, for which he was awarded by Nobel Prize in 1913. उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब गीतांजलि है, जिसके लिए वह 1913 में Nobel Prize द्वारा पुरस्कृत किए गए थे. There are 108 poems in Gitanjali. गीतांजलि में 108 कविताएं हैं. His father's name was Devendranath Tagore and his mother's name was Sarada Devi. उनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और उनकी माता का नाम शारदा देवी था. He was the youngest son of his parents. वे अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे. The first poem of Rabindranath Tagore is अभिलाष. रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे पहली कविता अभिलाष है. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज गुरुदेव एंड हिज सॉन्ग्स वॉज पॉपुलरली नोन एज रविंद्र संगीत. रविन्द्रनाथ टैगोर को लोकप्रियता से गुरुदेव कहा जाता था और उनकी गीतों को लोकप्रियता से रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता था. रविन्द्रनाथ टैगोर रोट लॉन्ग पोएम्स टू शॉर्ट पोएम्स. रविन्द्रनाथ टैगोर लंबी कविताएं से छोटी कविताएं तक लिखते थे. रविन्द्रनाथ टैगोर हु रोट द नेशनल एंथम्स ऑफ टू कंट्रीज, फर्स्ट इंडिया एंड सेकेंड बांग्लादेश. रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज डाइड ऑन 7 अगस्त 1941, मीन्स देन ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड. रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई, मतलब तब वे 80 वर्ष के थे. थैंक यू.